स्वागत करते हैं अपने चैनल पे जिसका नाम है एसएस क्रिएटिव ग्रुप। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चना दाल बर्फी। चना दाल बर्फी बनाना बहुत आसान है, तो चलिए अब हम बनाते हैं चना दाल बर्फी। चना दाल बर्फी बनाने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता है वो है चना दाल 500 ग्राम, जिसको मैंने 5-6 घंटे पहले पानी में भिगो लिया है, दूध 500 ग्राम, कटे हुए 10-12 बादाम और पिस्ते लेंगे, घी 250 ग्राम, इलायची पाउडर 1 टेबलस्पून और कंडेंस मिल्क लेंगे। तो चलिए बर्फी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन करके एक बर्तन में दाल और दूध डाल लेंगे। और दाल को 10 से 15 मिनट तक चलाते हुए पका लेंगे। और अब आप देख सकते हो हमारी दाल पक चुकी है। और अब गैस को बंद कर देंगे। और अब दाल को 5-6 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम दाल को मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। अब मैं दोबारा गैस ऑन करके फ्राई पैन रख रही हूँ, और हमारा फ्राई पैन गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें घी डालूंगी। और अब हमारा फ्राई पैन गर्म हो गया है, अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। जब घी मेल्ट हो जाएगा तब मैं इसमें दाल का पेस्ट डालूंगी। अब हमारा घी पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें दाल का पेस्ट डाल रही हूँ जो हमने मिक्सी में पीसकर तैयार किया है। और अब हम इस पेस्ट को घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। और अब हमारा पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 200 ग्राम के लगभग कंडेंस मिल्क डालेंगे। और कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें आधे ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ और आधे ड्राई फ्रूट्स बाद में गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। और अब मैं इसमें आधा कप दूध और डाल रही हूँ। और दूध को पूरी तरह से इसमें मिला लेंगे।
और अब हम इसमें एक टेबलस्पून इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिला देंगे। और अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम एक बर्तन में थोड़ा सा घी लगाएंगे। और इस पेस्ट को इस बर्तन में निकाल के अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर जो बचे हुए ड्राई फ्रूट थे वो डाल लेंगे। अब हम इसे सेट होने के लिए 20-25 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे। और अब मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे बर्फी की शेप में काट लेंगे। बर्फी आप अपनी पसंद से किसी भी शेप में काट सकते हो। अब मैंने इन बर्फी को एक प्लेट में निकाल लिया है और ये लीजिए हमारी चना दाल बर्फी बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।